नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सही वातावरण, स्वच्छ वातावरण में रहने का पूरा अधिकार है और इस भावना के तहत मैंने सभी नगरों के अपने साथी अधिकारियों, सफाई कर्मचारी मित्रों, पदाधिकारियों और जनता सबसे मैंने अपील की कि सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच नगरों की सफाई हो जानी चाहिए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, बड़ा ख़राब अनुभव होता है कि 10 बजे जब ट्रैफिक शुरू हो जाता है, बाज़ार शुरू हो जाती है, तब सफाई होती रहती है, वो दृश्य अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैंने आग्रह किया कि सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच और सभी उच्च अधिकारी और पदाधिकारीगण स्वयं इसका निरीक्षण करें। सभी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी संगठनों से भी मैंने निवेदन किया है कि आप भी इस काम में सहयोग दें और नगरों को एकदम से स्वच्छ रखा जाए। हम सब मिल करके एक प्रण लें कि यूपी को चमकाना है। सर, दूसरा, आप गर्मी मार्च से ही शुरू होगा ये है और ये गर्मियों में पावर की अक्सर क्राइसिस देखने को मिलती है। पावर की जो व्यवस्था है उसे हम लगातार देख रहे हैं। गर्मी के दिनों में बात सही है आपकी, लोड बढ़ता है, ऐसी शिकायतें भी आती हैं, कहीं ट्रिप हो रहा है, कहीं समस्या आ रही है। पहली बात तो उन शिकायतों के निपटारे के लिए मैंने कल जो जन शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था है उसका स्वयं निरीक्षण भी किया। पूरे दिन बैठकर मैंने समीक्षा किया इस व्यवस्था की और एक राज्यव्यापी इंटीग्रेटेड व्यवस्था हमने खड़ी की है, जिसको हमने ऊर्जा शक्ति का नाम दिया है। उस व्यवस्था के तहत सभी डिस्काम जो विद्युत कंपनियां हैं उनके नंबर, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके टोल फ्री नंबर सभी पब्लिक को बताए गए हैं और सबसे पहला जो कॉन्टैक्ट होगा वो डिस्काम लेवल पर होगा। अगर वहाँ आपकी सुनवाई नहीं होती है, आपकी शिकायत दूर नहीं होती है, तो हमारे स्तर पे, राज्य स्तर पे, मंत्री स्तर पे भी हमने एक नंबर दिया हुआ है जहां आप शिकायत कर सकते हैं। अब इस व्यवस्था को आज ही से मैंने शुरू किया है। आज जो अभी तक की रिपोर्ट मिली है कि काफ़ी ये व्यवस्था शुरू हो गई। कहीं कहीं मानव बल की कमियां थी, कहीं टेक्नोलॉजी की कमियां हैं, इन सबको दूर करके हमने आज से शुरू कर दिया है और अब इस व्यवस्था को हम नीचे के स्तर तक ले जाएंगे, जिले स्तर तक या सब स्टेशन के लेवल पर भी। हम उसी को कि जनता को मालूम होना चाहिए कि अगर कोई समस्या आती है तो किससे हमें बात करनी है, क्योंकि बहुत बहुत कुछ काम खाली बात करने से, अपनी बात पहुंचा देने से ही हो जाता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 100 दिन में 10,000 नौकरियां देनी है, तो आपका जो विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है, जो भी जनता से वादे किए हैं, वो सब पूरे किए जाएंगे।